कथा कहती है, एक मांग का टीका, एक चप्पल और एक छाता, ये तीन चीजें किसी के भी प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। किसी की दूसरे की मांग कर या दूसरे की लेकर इसका प्रयोग नहीं कर। एक किसी की चप्पल हो, पादुका हो, या किसी का पांव का जूता हो, चप्पल हो, आपकी चली भी गई ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, गई ना कोई बात नहीं। पर महाराज बड़ा दुख होता है, 500 की थी, टेंशन महाराज चली गई जाने। वैसे तो हमारा शास्त्र कहता है जब भी तीर्थ करने जाओ, किसी पवित्र नदी के तट पर जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजन के पास में जाओ, भगवंतों के पास में जाओ, देवालय शिवालय जाओ, या किसी सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हो तो पांव में पादुका होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा चित्त, आधा मन, आधा टेंशन तो आपका उस पादुका में लगा रहता है कि भाई है कि गई, आधा टेंशन तो वहां लगा रहता है, ध्यान लगा रहता है बार बार, कई बार चली भी जाती है और जाने के बाद कितना टेंशन होता है कि अब मैं किसकी ले जाऊं। चिंता तो व्याप्ति है, ऐसा नहीं कि चिंता नहीं व्याप्ति होता है। तो यहां पर हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि एक मांग का टीका, एक पादुका और एक छाता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब किसी का मृत्यु हो जाती है या कोई किसी के घर में कोई उद्यापन करता है या कोई बड़ा आयोजन करता है या कोई पूजन कराता है तो उसमें पद की महत्वता होती है। उस पद में दो चीजें बड़ी खास होती है, एक पांव की चप्पल और एक छाता। आपने देखा होगा कि अगर कोई समाप्त भी हो गया, मर भी गया, तो उसके बाद में जो पंडित जी को सामग्री देते हैं उसमें चप्पल, जूता या फिर छाता और वस्त्र, जनेऊ आदि का आदि, गौमुखी, माला, लोटा, गीता जी और ये सभी चीजें प्रदान करी जाती। पर शास्त्र कह रहा है उसका कारण क्या है, क्यों देते हैं ब्राह्मण को कि भैया ये हमने यहाँ तुमने उद्यापन करा है, इसमें ये पद दिया गया है, हमने कपड़े भी दिए हैं, उसमें जूता भी रख दिया, चप्पल भी रख दिया, छाता भी रख दिया। छाता और चप्पल की महत्वता क्यों कही गई? क्योंकि ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें काल समाया होता है। जब हम किसी को ये प्रदान करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि हो सकता है हमारे जीवन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, वो इसके दान करने से समाप्त हो जाए।